हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी लोगों को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हूँ। मैं नेपाल से हूँ, आई एम फ्रॉम नेपाल, है ना। मैं आज आप लोगों के लिए इंडियन में बातें करके मैं आप लोगों के लिए कुछ डिश बना के दिखाने जा रहा हूँ। जो नेपाली डिश है वो बोलते हैं ना, आज लोग सब लोग खाते हैं, वो क्या बोलता है, मोमोज। मोमोज तो आप लोग सभी लोगों ने सुना होगा। आज मेरे स्टाइल पे मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ बना के भेज रोस्ट मोमो। और भेज रोस्ट मोमो आप लोगों ने कभी खाया नहीं होगा, तो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। उसके लिए आप मैं इधर मोमो लेके रखा हूँ। और भेज रोस्ट मोमो बनाने के पहले आपको रोस्ट को फ्रोजन करना चाहिए। इस तरह से 30% स्टीम करके उसको वन डे फ्रिज में फ्रोजन करना चाहिए। उसके बाद में इसको रोस्ट बनाना पड़ता है। सॉरी फॉर गाइज, मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। आई होप आप लोग सब लोग समझ जाएंगे। और मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे तरीक़ा से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ जाएंगे और लास्ट तक इस मैं कैसे बना रहा हूँ उसको देखेंगे और फुल इन्जॉय करेंगे और बना के भी ट्राई करेंगे। और आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और देखे इन्जॉय कर रहे हैं उसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आई होप आप लोग ये बात समझेंगे। और मैं मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और क्या बोलते हैं आप लोग हिंदी में सपोर्ट करेंगे, इसलिए मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ वेज रोस्ट मोमो। ओके एवरीवन, आप लोग इन तक कनेक्ट होते रहिए और मैं आपको बना के दिखाने जा रहा हूँ वेज रोस्ट मोमो। ओके एवरीवन, आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ मैं कैसे रोस्ट मोमो का बैटर बनाने जा रहा हूँ। आप लोग अच्छा से देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डाल रहा हूँ कॉर्नफ्लावर 3 चम्मच और मैदा 2 चम्मच। थोड़ा सा हॉट सॉस, अदरक लहसुन पेस्ट जो मैंने बना के रखा था, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा सा जीरा पाउडर, कुटी हुई काला मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, थोड़ा टेस्टिंग पाउडर, थोड़ा गरम मसाला और चिकन मसाला जो मैंने एमडीएस कंपनी का लिया हुआ है, और थोड़ा चप किया हुआ अदरक, चप किया हुआ हरा मिर्च और धनिया। और इसमें हम डालेंगे, ये फूड कलर है और आप लोग घर पे बना रहे हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। और थोड़ा विनेगर, और इसको आपको मैं बैटर को घोल के दिखा रहा हूँ। और आप लोग सोच रहे होगा हाथ से किया हुआ है, ग्लव्स नहीं लगाया मैंने, हाथ अच्छे से धोया है। और आपको मैं इसको बैटर घोल के दिखा रहा हूँ। मैंने ये रोस्ट मोमो के लिए मेरा ये घोल भी तैयार हो गया है। कुछ इस तरह से इसका घोल तैयार होना चाहिए और मैं आपको फ्राई करके दिखाने जा रहा हूँ। ओके एवरीवन, मेरा तेल गर्म हो चुका है। क्रीम तेल को आपको ठीक हीट पे डालना चाहिए। और मैं यहाँ पे मोमो भी डालता हूँ। इस तरह से मोमो डालना डालिएगा इस तरह से। और इस मैं तेल में डाल के दिखा रहा हूँ। और इस तरह से धीरे धीरे आस्ते आस्ते तेल में डालना चाहिए। इस तरह से मोमो डालिएगा। और मोमो अभी तेल गर्म नहीं हुआ तो ये बिगड़ने का डर होगा, इसलिए आपको तेल हीट तेल में ही डालना चाहिए इस तरह से। देखिए मेरा ये वेज रोस्ट मोमो कितना शानदार मज़ेदार हुआ है। इस तरह से ये क्रिस्पीनेस आएगा और आप लोगों को पता चल।
चल जाएगा कि ये पक गया है और आप लोग खाने के लिए रेडी होगा। आप लोगों को ये किसी भी पार्टी में। ओके एवरीवन, हम लोगों का ये जो वेज रोस्ट मोमो बोला था आप लोगों को, वेज रोस्ट मोमो तैयार हो गया और मैं इस तरह से इसको सजाऊंगा। ओके दोस्तों, मेरे भाई लोग, मेरे सभी लोग, प्यारे प्यारे व्यूअर्स लोग, सब लोगों को मैंने वेज रोस्ट मोमो बना के दिखाया है। आई होप आप लोग सब लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे इस रोस्ट मोमो बना के और खाएंगे भी, और मुझे बहुत सारा कमेंट लाइक करके पूछेंगे भी, और मैं आपको ट्राई करके दिखाता हूँ। आप लोग कसम से इस तरह से आप लोग रोस्ट मोमो और कोई चिकन, कोई जो भी आप लोग बना के खाएंगे, और पनीर मोमो, पनीर रोस्ट मोमो, जो भी इस तरह से रोस्ट मोमो बना के खाएंगे, आप लोग कसम से आप लोग जो वेज हैं वो लोग नॉन वेज को याद नहीं करेंगे, जो नॉन वेज है वो वेज खाएंगे, वो भी चिकन और बोलते नॉन वेज किसी हो जाएंगे, इतना टेस्टी और अमेजिंग है। आप लोग, आई होप आप लोग बहुत से ज़्यादा बहुत इंजॉय करेंगे और मेरे मुझे और मेरे वीडियो को सॉरी फर्स्ट टाइम माय वीडियो दिस हिंदी, सो आई एम सो कंफ्यूज, थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है। आप लोग समझ जाएंगे और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो करना है तो कर सकते हैं। आवाज़ निकेश श्रेष्ठ है मेरा, जो आईडी जो है आप लोगों को नीचे मैं उसका लिंक दे दूँगा, और मुझे कोई भी क्वेश्चन है जवाब दे, आप लोग जहाँ से भी हैं मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आई होप आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करेंगे। लव यू ऑल।